कल हम राइड पे निकल रहे हैं सारे, सात को वापस आना है। बाल हाथ में ही आ जाएंगे, क्या हो गया अगर एक बर्थडे साथ में नहीं मनाएंगे तो? गाइस मेरा कान देखो, लाल लग रहा है, समझ जाओ। आराम से कुत्ते, ये गुफा से बड़ा तूफान है। ओए उरी, बैठ जा आराम से, शांति से बैठ जा। अभी सोचा था कि हम आए हैं, ब्लॉग व्लॉग शूट करेंगे, कुछ करेंगे, और ये देखो। फिर एक बार बोल दे ऑडियंस को, बोल दे कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाना आज के बाद। मानिक भाई सुबह सुबह गाड़ी लेके जा कहाँ रहे हैं? सो गाइस मैं जा कहीं भी नहीं रहा हूँ, बट मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे जम्मू में होने वाली है 10 से 15 दिन के लिए स्ट्राइक पेट्रोल पंप पे। मतलब पेट्रोल पंप की तो नहीं है, टैंकरों की है, जिस वजह से पेट्रोल की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। भाई सारे बंदे जा रहे हैं गाड़ियों की टैंकी फुल करवाने के लिए, तो तुम्हारा भाई भी फटाफट जा रहा है गाड़ी की टैंकी करवाते हैं फुल। तुम्हारा भाई गाड़ी में जाएगा क्योंकि आजकल जो ठंड हो रखी है ना, भयानक ठंड हो रखी है भाई यहाँ पे। अभी चलते हैं फटाफट पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं। राजा जी को भाई ये सोया हुआ था, इसको सोते सोते उठा के लेके आया हूँ मैं, वैसे मैं भी सोया हुआ था। फटाफट जाते हैं पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, घर पे आते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और करते हैं एक व्लॉग शूट मजेदार सा। तो एक बार ये देखो भाई, बाहर का माहौल देख रहे हो भाई, बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है। 3-4 दिन के अंदर हमारे जम्मू में बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। तो गाइस अभी हम पेट्रोल पंप से लगभग 200 मीटर दूर होंगे और भाई ये चेक करो यहाँ से भाई लग चुका है जाम ट्रैफिक, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल तो इसमें हाफ टैंकी है, बट आपका भाई फुल करवाएगा। आधा घंटा नहीं होगा इस न्यूज को आते हुए और भाई लोग ऐसे डर के मारे पेट्रोल फुल करवाने आ गया ना। तुम्हारे भाई की किस्मत भाई, हम पिछले आधे एक घंटे से लगे हुए थे लाइन में और वो बोल रहे कि पेट्रोल तो खत्म हो चुका है, डीजल ही बचा हुआ है। गाइस अभी तुम्हारा भाई जा रहे हैं सांची के पास, सांची को पिक करने के लिए, तो देन वहां से आएंगे हम घर पे और देखते हैं। हो सकता है गाइस आज मैं सांची के ऊपर एक प्रैंक करूं, ठीक है? अभी प्रैंक का आइडिया मेरे दिमाग में आ नहीं रहा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, बाहर हम बाइक पे जा नहीं सकते। अभी मैं सांची को लेने के लिए जा रहा हूँ, देन हो सकता है मैं प्रैंक करूं, तब तक क्या पता कोई आइडिया आ जाए। मन तो मेरा ये है कि प्रैंक करूं उस पे, काफी टाइम से प्रैंक नहीं किया क्योंकि गाइस पहले मैंने सोचा था कि यार हम बाइक पे जाएंगे, मोटो व्लॉग वगैरह बनाएंगे और भाई एक तो ठंड है, ऊपर से भाई पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। ये सांची को मैं पिक करता हूं, दिमाग चलाता हूं, प्रैंक के लिए कोई आइडिया तैयार करता हूं, प्रैंक करेंगे यार सांची ऊपर। सो गाइस फाइनली सांची आ चुकी है पीछे। सांची हाय करो गाइस। सारे बढ़िया, तुम बताओ? एकदम बढ़िया। मैंने ओहो गाइस एक मिनट, कोई आ रहा है, कोई हमसे मिलने आ रहा है। और क्या हाल है, कैसे हो? ठीक हो? खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? क्रिकेट। बढ़िया, और आराम से खेलो, ठीक है? स्माइल तो कर दे, हंस के स्माइल तो कर दे। क्या हो गया, गिन्नी को ठंड चढ़ गई है भाई? पेट्रोल तो मिला नहीं आज कहीं पे, और हमारा आज प्लान था बाइक पे जाने का, तो मैंने कहा चलो बाइक पे तो जान सकते हैं, ऊपर से ठंड इतनी है और पेट्रोल का सीन है, कुछ फन करते हैं गाइस, क्या बोलते हो? तो गाइस लास्ट वीडियो तो देखी होगी, वैसे मेरा ही ब्लॉग आया था तो बहुत अच्छे कमेंट किए थे आपने, तो शाउट आउट जरूर दूंगी मैं कमेंट जो अच्छा था नेक्स्ट वीडियो में मेरी। बाकी जिस जिसने ब्लॉग नहीं देखा अभी जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। हाँ अभी फिलहाल जा रहे हैं मानिक के घर, वहाँ जाके देखते हैं क्या करना है क्योंकि आज ठंड बहुत हो रखी है, बाहर घूम भी नहीं सकते, पेट्रोल भी नहीं है हमारे पास। आराम से कुत्ते में पीछे पड़ गए अब तो। ओ भाई सीधा आके घुसा दो घर में, गाड़ियों में भी। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई अंदर आ चुका है और ये लगी हमारी दोनों बीस्ट। भाई आज इनको मैं स्टार्ट भी करने वाला हूँ, बहुत टाइम से इनको कॉल स्टार्ट नहीं किया है, पड़े पड़े भाई इनकी बैटरी डेड हो जाएगी। देख रहे हो भाई क्या हालत हो रखी है, इसको मैंने स्टार्ट करा भी था बट इसकी बैटरी डेड हो जाती है बार बार, तो आज मैं फिर से इनका करवाने वाला हूँ। भाई ड्यू को भी स्टार्ट करेंगे, बहुत टाइम से स्टार्ट नहीं करिए। बाकी गाइस अपनी G1000 का देख सकते हो भाई, टायर भी पूरा खत्म हो चुका है, एक ही बारी सर्विस करवाएंगे दोनों बाइकों की। गाइस फाइनली तुम्हारा भाई अभी घर आ चुका है, ठीक है? और मैं बाइकें वगैरह इसलिए आपको दिखा रहा था अभी क्योंकि सांची यहीं पे खड़ी थी, ठीक है? तो इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉग ये वाला बना रहा था, उसको शक ना हो। तो गाइस अभी तुम्हारे भाई के दिमाग में आ चुका है प्लान जो तुम्हारा भाई करने वाला है आज प्रैंक। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा 6 जैन को तुम्हारे भाई का बर्थडे है और सांची ने बहुत कुछ प्लान करके रखा है, आज हम उसका प्लान बिल्कुल फ्लॉप करने वाले हैं। मतलब होगा तो ये प्रैंक ही होगा कि भाई सांची को बोलूंगा कल सबका प्लान बन चुका है, कल हम जा रहे हैं भाई राइड पे दिल्ली और ये 2 या 3 दिन के बाद आएंगे, और शायद हो सकता है इस बार मैं तेरे साथ बर्थडे ना मना पाऊँ और भाई इतनी सी बात पे ना क्लेश पड़ जाएगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना प्रैंक। क्या कर रहे हो आप, है? देख रहे हो भाई, देख रहे हो मेरा खौफ, देख रहे हो? ओए इसको क्या यार, खौफ है इसने मेरे को घर पे ऐसे ऐसे घुमाया अपने पीछे गोल गोल गोल। अच्छा हाँ। ओए ये बच्चा है, ये गुफी से बड़ा तूफान है। ओए उरी बैठ जा आराम से, शांति से बैठ जा, देख रहे हो भाई? कैमरा को देख के चुप हो गया, छोड़ दे फोन, क्या फोन को लगी हुई है, ऐसे करते हैं फोन दिखा, क्या करी फोन पे? अच्छा ये जरूरी है हैं? तो बढ़िया ही, मैं तेरे पास आया हूँ कम से कम बातचीत कर, क्या कर रही है? ब्लॉग शूट करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं।
करते हैं ना अभी, आप ही बिजी हो। ओए छोड़ दे उसको, और ये छोड़ दे, छोड़ दे, लड्डू है गोला है गोला, ये छोड़ दे उसको। ओ ओ जानी जाना तूने तुझी। गाइस लड़का बहुत बेशरम हो गया हुआ है। क्यों, मैंने क्या कर दिया? व्लॉग किसने बनाना है? ओए बाहर मौत का माहौल हो रखा है। अच्छा बाहर ठीक है, इतनी धुंध पड़ी है गाइस, इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है ना, ये बोल रहे हैं कि भाई बाइक लेके निकलते हैं कहीं व्लॉग बनाने के लिए। गाड़ी तो है, वो लग बात है पेट्रोल ही। पेट्रोल मेरी बात सुन, इतनी ठंड में बाइक कैसे चलानी है यार? घर पे बैठे हैं। हाँ तो बनाऊँ ना, बनाऊंगा व्लॉग। अभी क्या बोला गाइस, मेरे 2024 का पहला व्लॉग यही वाला है। अभी क्या बोला आपने? 3 दिन के बाद डाल रहा हूँ मैं। यार तुझे पता ना कैसे मेरी बॉडी में बस आधे घंटे की क्या है? भाई रूटीन गाइस सच बता रहा हूँ, पता सीन क्या हुआ है मेरा ना, रूटीन खराब हो गया हुआ है। मैं पूरी रात सोता नहीं और पूरा दिन सोया रहता हूँ, तो थोड़ा रूटीन चेंज करना पड़ेगा ठीक है। और गाइस हाँ, आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। आई होप भाई सारी रील में यही बोला जा रहा है कि ये साल जो है शनि का साल है, तो इसमें आपके पास काफी रोकड़ा आएगा ठीक है। तो मेहनत करते रहना, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी व्लॉग वगैरह कंटिन्यू रखता रहूंगा। सांची भी व्लॉग वगैरह कंटिन्यू बनाएगी। अब इसके अगला मेरा यार, ओके ओए कौन सा अगला बनाएगी? क्या प्लान नहीं किया हुआ? कुछ नहीं है, बर्थडे नहीं आ रहा। ओ तुझे तो बात ही नहीं बताई मैंने, बर्थडे कल हम राइड पे निकल रहे हैं सारे 2 दिन के लिए। मैं वो बात बता रही हूँ, मैंने 7 को वापस आना है, तो प्लान ही सुबह बना प्लान। तो मैं जो बना रही हूँ इतने दिन से प्लान, उसका क्या जो मैंने सब कुछ कर दिया? भाई प्लान सुबह बना है, तेरे को बताना ही भूल गया था कसम से। तो क्या हो गया, 8 को मना लेंगे बर्थडे। तो मैंने जो अभी की हुई है प्लानिंग उसका क्या करूँ? अभी अभी आज आज प्लानिंग की है तूने? आज नहीं की है, इतनी देर से जो मैं चल रहा है मेरा। कोई बात नहीं, क्या हो गया? कोई बात नहीं, सब कुछ कैंसिल करूंगा यार। जितना बड़ी देर के बाद प्लान बना राइड पे जाने का, 3 दिन धूप निकलेगी तभी हम राइड पे जाने बाइक पे। मेरा अगर कोई प्लान नहीं बना होता ना, मैं कुछ नहीं बोलती। सच बोल रही हूँ, मेरा अगर कुछ प्लान नहीं बनाता मैं कुछ नहीं बोलती, बट मेरे प्लान को फटाके इधर जा रहे हैं। क्या प्लान बना तेरा? जो भी प्लानिंग किया वो सरप्राइज मैं बता दूँ। 7 को कर लेंगे, 7 को आ जाऊंगा मैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं। अपने टाइम मेरे बर्थडे पर नहीं किया था, क्या किया था? राइड समझा कर ना, जाना पड़ेगा राइड। अगला मेरी बात सुन, क्या हो गया अगर एक बर्थडे साथ में नहीं मनाएंगे? तो पता था प्लान किया हुआ मैंने, हमने वैष्णो देवी भी जाना था, उसके बाद आगे भी सारी प्लानिंग की हुई है। अब सब कुछ मैं कैंसिल कर दूँ, सबको मना कर दूँ? यार समझा कर, अभी राइड पे जाना है ना कल, मैं तेरे साथ बर्थडे नहीं मना सकता। ये वाला यार राइड पे जा रहे सारे, ये गलत बात है। कोई बात नहीं, पहले मेरे साथ प्लान करके उधर जा रहे हो यार। व्लॉग बनाने देना अब यार, ये मानी व्लॉग की बात नहीं है। व्लॉग शूट करने देगी या अभी मुंह चढ़ा के बैठी रहेगी? किस बात पे गुस्सा हो गया यार? गाइस ये देखो फिर से इसका दिमाग खराब हो रहा है। इतना टाइम से हम राइड का प्लान कर रहे थे, अब मैं कल जा रहा हूँ। मैंने इसको बोला कि यार ये वाला बर्थडे मैं साथ में नहीं मना पाऊंगा, उसके बाद जब मैं आऊँगा अगले दिन या उसके 1-2 दिन के बाद तब मना लेंगे। इतनी सी बात पे रूट के बैठ गई है। अभी सोचा था कि हम आए हैं व्लॉग व्लूग शूट करेंगे कुछ करेंगे, और ये देखो इतनी सी बात पे रूटने वाला क्या है सांची? पहले नहीं बता सकते थे, पहले प्लान ही सुबह बनाया ना यार। क्यों बना? आपको कितने टाइम से, कितने 8-10 महीने से हम राइड पे नहीं गए हैं। तो आपको मैं कब से बोल रही थी? क्या बोल रही थी? मेरा प्लान जो बना हुआ था वो नहीं आपको पता? यार वो तो पता था मेरे को, बस पे पता था तब भी आपने ये चीज़। पर हम जाना है ना, अब क्या करें, लड़ना इस बात पे? जाओ फिर, नहीं बनाना मैंने ब्लॉग आज, मैं भी जाके बनाऊंगा। तूने ब्लॉग ही बनाना है मेरे साथ? पक्का नहीं बनाना मेरे साथ ब्लॉग? फिर एक बार बोल दे ऑडियंस को, बोल दे कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाना आज के बाद। इधर देख के बोल। नहीं करो तंग मेरे को, आप हर बार यही करते हो। क्या बोल दे एक बार कि मैंने मानी के साथ व्लॉग नहीं बनाना। मैं भी फिर वो कैंसिल करके जाऊं यार राइड पे। अब इतना टाइम से हम राइड पे नहीं गए, तो मैं राइड पे ना जाऊं बोल दूं? तो अगर मेरा प्लान नहीं बना होता। तेरा प्लान क्या है? प्लान बना है तेरा? मैं डाल दूंगा व्लॉग ये, मम्मी छोटी छोटी बातों में लड़ती है। सबको लड़ाई है तो दिखानी है अपने माँ, दिखाऊंगा लड़ाई। गाइस इधर इधर देख, सो गाइस इधर देख, आंखों में आपको कुछ तो दिख रहा होगा, हल्का पानी दिख रहा होगा आपको, तो इसलिए मेरा बस, मैं जब भी बोलता हूँ ना गाइस कि मैंने प्रैंक करना है, और प्रैंक करते करते ना जब ये चीज होने लग जाती है ना, मेरा प्रैंक वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि ये आंसू निकालने लग जाती है। एक और प्रैंक हो गया तेरे साथ, तुझे लगता है कि मैं तेरे बिना बर्थडे मनाऊंगा? और हम बर्थडे पे वैष्णो देवी जा रहे हैं, जबकि तुझे मैंने पहले बोला। बढ़िया, सो गाइस प्रैंक सक्सेसफुल। आपको बताता हूँ हम लोगों का पहले,
वो गुस्सा छोड़ दे, चांद चुंडी चला देना पीछे से। छोड़ दे गुस्सा, प्रैंक था ये। मैंने पहले ही बोला था कि आज संजीव एक प्रैंक करेंगे। बाल हाथ में ही आ जाएंगे। नहीं कर, आगे हेयर फॉल कितना हो रहा है मेरे को। मामा अर्थ ने वैसे भी कोई प्रोडक्ट नहीं भेजा मेरे को। मेरी बात सुन। सो गाइस देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ, हमारा प्लान ये था कि मैंने सच बताऊँ, मैंने सोचा था कि यार इस साल की जो शुरुआत होगी ना व्लॉग्स की, वो मैं करूँगा वैष्णो देवी मंदिर जाऊँगा अपने बर्थडे पे, तो तब का व्लॉग बनाऊँगा, वहीं से स्टार्ट करूँगा। इसलिए मैं अभी 2-3 दिन व्लॉग नहीं बना रहा था, बट इसने मेरे को बोला कि मानिक नया साल है, आप एक बार व्लॉग बना के बता दो। जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें हम वैष्णो देवी जाएंगे, तो वो व्लॉग बनाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट व्लॉग जो भी होगा, वो हो सकता है कि सांची शूट करे या मैं शूट करूँ। तो हम जाने वाले हैं मेरे बर्थडे पे वैष्णो देवी, वैष्णो माता के मंदिर, क्योंकि मैं पर्सनली माता को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो मैं अपने बर्थडे पे हमेशा जाता ही हूँ वैष्णो देवी। और इसको लगा कि मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, वो हम राइड पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, कल रात को निकलना है ना बस। कि कल 5 है तो 5 को जाएंगे, ठीक है, ताकि अपने बर्थडे पे मैं वापस भी आ जाऊं और थोड़ा बहुत बर्थडे पे भी एंजॉय कर लें, ठीक है ना। अगला व्लॉग सांची तू बनाएगी वैष्णो देवी वाला व्लॉग की मैं बनाऊं, तू बता अब कुछ तो बोल दे। जब तू गाइस पता नहीं क्यों जब ये शांत रहती है ना, मुझे और डर लगता है इससे, कुछ तो बोल। ये ले बंद कर दे। गाइस मेरा कान देखो, लाल लग रहा है, समझ जाओ। इसने मेरा कान पता कैसे मरोड़ा, जैसे बंदर नींबू नहीं छोड़ता इतनी जोर से गर्म लग रहा है एक साइड से कान मेरे को। तो ऐसे कौन करता? क्या कैसे कौन करता है? तुझे लगा था कि मैं यार इतना, तू कब से प्लान कर रही है कि हम पहले वैष्णो देवी जाएंगे, बर्थडे भी ये करेंगे, वो करेंगे। दोबारा मेरा कान मरोड़ा ना, पूरा नींबू की तरह कान छोड़ दे, गर्म लग रहा है मेरे को, ले सेक ले थोड़ा सा। सो गाइस ये था आज का प्रैंक। मुझे पता है प्रैंक को ज्यादा मैं मसाले वाला नहीं बना पाया, ठीक है, मुझे पता है, आई फील कि मैंने प्रैंक तो करा लेकिन कुछ चीज ऐसी थी मैं आपको कैमरे में नहीं बता सकता, जो सांची ने मेरे को गालियां चलाई है ना। तो गाइस चलो कोई बात नहीं, एक बार हम फिर प्रैंक करेंगे, बट ऐसा प्रैंक होगा ना वो, उस पर कोई दया नहीं खाऊंगा, कोई तरस नहीं खाऊंगा सांची के ऊपर, ठीक है, चाहे ये आंसू निकाले जो मर्जी करे। और ऐसा प्रैंक करूंगा ना भाई, बंदे बोलेंगे ये होता है प्रैंक, ठीक है, इस बार तो इतने से प्रैंक से काम चला लो। तो अभी गाइस थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ खाते हैं, देन यहाँ से निकलना भी, अभी एक राउंड वगैरह मारेंगे, देन अभी सांची को घर पे भी छोड़ने जाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, क्योंकि आदेश ने मेरे को 1 घंटा तो मारने में लगा दिया। ये देख लो कान लाल हो गया, ये देख रहे हो गाइस कान, इसने पता कैसे मरोड़ा, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना वैसे कान मरोड़ दिया इसने, पढ़ने भी चाहिए थी ना। सो गाइस अभी हम आज आपको पता, आज है 4 तारीख, कल है 5, और कल हम जा रहे हैं वैष्णो देवी के लिए, ठीक है, और वो व्लॉग सांची ही बनाएगी, हो सकता है मैक्सिमम चांसेस यही है कि सांची बनाएगी वो व्लॉग, वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद 6 जैन को मेरा बर्थडे है, उसका भी व्लॉग आएगा, देन आगे आपको कंटिन्यू हमारे व्लॉग देखने के लिए मिलते रहेंगे। गाइस इसको ना इतना टाइम हो गया पबजी खेलते हुए, लगभग इसको 20 दिन हो गए खेलते हुए, 20 दिन नहीं हुआ, पर ये 4-5 दिन से खेल रही हूँ मैं, वही 10 दिन लगा ले। गाइस ये ना पबजी पता कैसे खेलती है, ये नुबड़ो की प्रो है। जैसे सांची ट्रेन हो जाएगी ना, उसके बाद लाइव स्ट्रीम आप लोगों के साथ, डेली मिलूंगा, डेली खेलूंगा, डेली बातचीत होगी। ओके गाइस जा रहा हूँ सांची को छोड़ने के लिए, भाई 1 बजे आए थे और टाइम देख सकते हो भाई 5 बजने वाले हैं। प्रैंक करके तो मुझे तो अच्छा ही लगा, मूड तेरा पता कितना ज्यादा खराब हो गया था, मुझे बहुत मजा आता है तेरे को तंग करने में। खराब नहीं होगा बंदा अगर पूरा प्लानिंग करके बैठा है, आप ठीक है प्लानिंग करके बैठा है, कोई बात नहीं, देखता हूँ बर्थडे पे क्या प्लानिंग है तेरी, ठीक है, सारी खराब कर दूंगा प्लानिंग, बर्थडे की प्लानिंग करके बताओ। गाइस देख रहे हो आकृति कितना आजकल मेरे आगे। तो गाइस आप मुझे आइडिया क्यों नहीं देते हो ऐसे, मुझे आइडिया दो, कोई अच्छा सा प्रैंक बताओ कि माने के ऊपर मैं प्रैंक करूं क्या, ना क्या होता है, ऐसा प्रैंक करूं पता चल जाए प्रैंक क्या होता है। चले भी चले, एक प्रैंक तो किया था मैंने, ठीक है, वो आपको पता नहीं चला, वो तो थोड़ा अलग भी था। मेरी वीडियो भी नीचे कमेंट करो, अच्छे अच्छे प्रैंक बताओ जो मैं करूं और वो माने को पता ना चले। मैं सारे पढ़ लूंगा, मैं सारे कमेंट कितने पढ़ लोगे, आपको क्या पता चलेगा कौन से टाइम में क्या करूंगी। प्रैंक करेगी मैं वैसे भी पकड़ लूंगा, ठीक है, मेरे पे प्रैंक कोई नहीं कर सकता। पहुंच चुके हैं भाई सांची के घर के पास, अभी सांची को करेंगे ड्रॉप और करेंगे आज का व्लॉग यहीं पे एंड, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें तैयारियां भी करनी है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।